आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। ताजनगरी में भले ही लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों का ग्राफ नीचे की ओर तेजी से गिरता जा रहा है, बावजूद इसके स्वास्थ्य विभाग कोविड-19 को हल्के में लेने की गलती नहीं कर रहा है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगातार कई अलग अलग टीम गठित कर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अलग अलग क्षेत्रों को चिन्हित कर एंटीजन किट के माध्यम से लोगों की कोरोना वायरस की जाँच कराई जा रही है। देखिए, हम परिस्थितियों के ऊपर सतत निरीक्षण रखे हुए, हमारी कई टीमें कोरोना के सैंपल ले रहे हैं और जहां हाई रिस्क एरियाज हैं वहां पर टारगेटेड सैंपलिंग की जा रही है, जिसके लिए नियमित तौर पर टीमें सुबह जाती हैं, शाम तक सैंपल लेके आती हैं उनका, और पर प्रतिदिन के आधार पर हम 2000 से अधिक के सैंपल जांच कर रहे हैं, और अगर कहीं पॉजिटिव निकल आता है, जो कि कई दिनों से नहीं निकला है, अगर निकल आता है तो फिर उसकी सराउंडिंग में, जैसे जब एक्टिव फेज थी, ये कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग वो सब हम करते हैं। रूरल क्षेत्र के तो 15 ब्लॉक में डेडिकेटेड 15 टीमें प्रतिदिन सुबह हॉस्पिटल टाइमिंग से लेके और ओपीडी जब तक ख़त्म होती है तब तक सारी जांचें लगातार की जाती हैं। टीमें कितनी हैं और कितने टारगेट हैं उनका? 15? अच्छा नहीं, ये 2 से 3 हज़ार के बीच में सैंपल प्रतिदिन के आधार पे हम लोग कर रहे हैं, और शहर के अंदर 10 टीमें टारगेटेड सैंपलिंग की चल रही हैं, जो प्रतिदिन अलग अलग पॉपुलेशन ग्रुप के सैंपल लेके आते हैं।